तो कैसे हैं आप सब लोग? आयु बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज और कॉलेज का लास्ट डे है। ओ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन अभी तो देखो मौसम खुल चुका है, लेकिन तुम्हें सामने का व्यू दिखाते हैं जिसमें अभी बादल गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो देखो भाई, देखो छत वगैरह भी गीली है, सारी छतें गीली हैं क्योंकि अभी बारिश होके गई है ज़्यादा। अब इधर साइड मौसम पूरा ओपन हो चुका है, तो हम चलते हैं कॉलेज। वाह बेटा वाह, आगे कर ये पीठ घुमा। और कुछ बेटा क्या चाहिए? अब कब मिलेंगे? बता बोल रहा है, टेबलेट मिल गया हमको। हनी कुछ बोल ले। इतने सारे लोग देखे मैंने, सबसे क्यूट मैं पैदा ही क्यूट हुआ था। ये हम लोगों के लिए यादगार लम्हे हैं जिसको हम वीडियो में कैप्चर करे ले रहे हैं। एक मोमेंट की तरह, मतलब जो होता है वो है लास्ट डे हमारा कॉलेज का आज। और भाई सबकी शर्ट पे अच्छे से खूब अच्छी तरीके से नाम इमोजी वगैरह सारे कुछ लिख लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स थे जिनके शर्ट पे नाम लिखना था वो तो हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी शर्ट पे नाम वगैरह लिखते हैं। बाकी अब इसकी भाई नौटंकी देखो, ये सोच रहा है कैसे भी मेरी शर्ट बच जाए, पर हम जैसे लोग जहाँ हों वहाँ पे शर्ट कैसे बच सकती है बेचारे की। ज़बरदस्ती मैंने नाम लिख दिया, बाद में फिर खुश होकर लिखवा रहा था। पर एक बार नहीं दो बार लिखा क्योंकि इसने मना किया था, इस वजह से दो दो बार लिखा मैंने इसकी शर्ट पे नाम, देख रहे हो। भाई ये बड़ा जरूर हो गया, पर सही बता रहा हूँ, बुद्धि से अभी भी बच्चा का बच्चा ही है, सही बता रहा हूँ मैं। पर कुछ भी होगा भाई, दोस्त बढ़िया है। तो हम सारे जो भी लोग हैं जिन जिनको लेना उन सबको कैप्चर करेंगे वीडियोस में। तो यहाँ पे ये सब नाम लिख रहे हैं, तो ये देखो सारी शर्ट्स पे नाम लिख रखे हैं सबकी, जो जो फ्रेंड्स थे, जो जिनके फ्रेंड्स हैं, जिसकी जिनसे ज़्यादा बनती थी, सबने एक दूसरे के ऊपर नाम लिखे हैं, शर्ट्स पे नाम लिखे हैं। मतलब तो देख रहे हो क्योंकि ये एक मोमेंट है। इतने बार बहुत से लोग बोलते हुए हम मिलेंगे या सब बहुत सारे वादे भी करते हैं, पर बात ये हो जाती है क्योंकि इतने सारे लोड पड़ जाते हैं लोगों के ऊपर कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद कि किसी के पास टाइम ही नहीं रहता, ना कोई मिल पाता है। और सच में लोग कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्त मिलना भी चाहते हैं पर नहीं मिल पाते क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से काम की वजह से फ्री नहीं हो पाते हैं। बोला था ना भाई मैंने इसके दो बार लिखा है, इसने मना किया था इस वजह से। तो भाई ये सारे लोग एक दूसरे को शर्ट्स वगैरह पे नाम वगैरह डाल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना अब दोबारा नहीं आने वाला भाई, क्योंकि ये निकल रहा है और निकल गया है। इसके बाद ना कॉलेज, ना कॉलेज लास्ट डे होगा, इस वजह से आराम से जो भी करना है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार नहीं होती है ज़िंदगी में, एक बार होती हैं बस। और अब हम क्लास से बाहर आ चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे के चट पे उनके सीधे नाम लिख रहे हैं भाई, अलग ही लेवल के बैग चल रहे हैं यही बोलूं। तो अब हम क्लासरूम से बाहर आके कॉलेज से बाहर जा रहे हैं।
तो भाई ये सारे जितने भी दोस्त वगैरह थे सारे जा रहे हैं और आज इन सबको टैबलेट वगैरह मिली है, मुझे भी मिली है। पूरा कॉलेज कैप्चर करना है तो वो भी कर लेता हूँ मैं, नोट वगैरह सारी चीज़ें। लेगा लेगा एक काम हो माफ कर कहाँ है फिर जेब में अबे लेकिन है। तो यहाँ पे सारे दोस्त एक दूसरे की शर्ट वगैरह पे अच्छे से नाम डाल रहे हैं, जो भी रह गए उनके डाल रहे हैं कॉलेज के बाहर तक। भाई उसको किसी ने बुला लिया भाई तो भाग गया है, फिर बाद में आएगा। फिर अबे मेरे नाम लगे जू है मेरी शर्ट ले मेरी शर्ट की बेटे तुम कैसे भाई से लाया मार कर देखो शर्ट तुम म्यूजियम में ना रख पाई। टैबलेट मिल गई इरादे ठीक होते तो तुम्हारी शर्ट पे लिखना आते नहीं, वो कहना तुमको चल गाड़ी का चल ना बस मार कर ले ले तो भाई अब हमें चलना है घर पे, तो फिर चलते हैं घर एक बार अच्छे से कैप्चर करे ले रहे हैं सारे मोमेंट्स। तो ये रहा मेरा कॉलेज, तो अब हम रास्ते में हैं तो जा रहे हैं घर पे, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। जय हिंद जय भारत। Thank you.